जैन दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आपके अपने YouTube चैनल रैपिड स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आप नियमित तौर पर सैनिटाइजर और मास्क का यूज करते रहें। और आज हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कम्प्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, मन प्लस अनुकूल, तो मनोकुल मनोनुकूल बना। तो यहाँ हमारा आप देखेंगे तो यह विसर्ग प्लस ए का जो है विकार, विसर्ग प्लस ए में, यानी कि जो हमारे विसर्ग और जो स्वर है, स्वर ए इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने के बाद में क्या बना, तो विकार उत्पन्न होने के बाद हमारे यहाँ ओ बन गया। देख लो अभी तो बना मनो नुकुल, तो हमारा विसर्ग इसमें तो विकार उत्पन्न, यही तो बना। आप यहाँ देख सकते हैं नी प्लस अक्षर में, तो ये निरक्षर बना है। तो यहाँ विसर्ग प्लस जो हमारा स्वर ए है इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने के बाद ये क्या बन गया, रे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नी प्लस ताप है, तो ये क्या बना, निष पाप। तो यहाँ जो विसर्ग और तय हमारा जो व्यंजन है इसमें जो हमारा विकार उत्पन्न हुआ तो क्या बनाए हो, तो हमारे पै में मतलब का सह पै में, तो निष्पाप बन गया क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हुआ। विसर्ग प्लस तय में जो हमारा विकार उत्पन्न हुआ है ये हमारा बन गया, ये हमारे इसमें बदल गया, तो निष्पाप हो गया। ठीक है, इसके बाद हम विसर्ग संधि के जो नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट है इसका विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले ए और बाद में ए यानी कि स्वर आ जाए, स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग पांच वर्ग होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो क च ट ट प का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, आज पांचवा वर्ण यह अंत्यस्थ व्यंजन यर्लव है, यर्लव या फिर हमारा उष्माशेषी व्यंजन जो है हो, तब विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, आप समझेंगे यहाँ, जैसे मन प्लस अभिलाषा, तो यहाँ विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले और ए स्वर आएगा, इसके बाद जाएगा मन। ठीक है, फिर इसके बाद में भी स्वर ए आ रहा है इरा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मनो भिलाषा, ये हो जाएगा मनो भिलाषा। इसके बाद हम देखेंगे वह प्लस वृद्ध, तो आप देखेंगे इससे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले हमारा ये आ रहा है जो कि क्या है अंत्यस्थ व्यंजन, फिर इसके बाद में वह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा वयो प्लस वर्ध। ठीक है, वयो वृद्ध। इसके बाद में तप प्लस भूमि है, तो देखेंगे इससे पहले क्या आ रहा है, ऐ की आवाज देगा यहाँ पै जैसे, तो पै पे हम देखेंगे तप है, तो ए की आवाज दे रहा है। उसके बाद में विसर्ग, इसके बाद क्या है, भय है, जो भय किस में आएगा हमारा, इसके इनमें आएगा कोई से में, टय में आएगा, सॉरी पै में, पै वर्ग में आएगा, तो देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तपो भूमि। इसके बाद हम देखेंगे मन प्लस योग है, तो विसर्ग से पहले ए की आवाज देगा, फिर ये आ रहा है अंत्यस्थ व्यंजन ये, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मनो योग। ठीक है, इसके बाद में है मन है प्लस रंजन, तो आप देखेंगे यहाँ ये क्या है, ए की आवाज देगा, विसर्ग से पहले ए आएगा जैसे मन है, तो ये बाद में क्या की आवाज दे रहा, ए की। ठीक है, उसके बाद में रे आ रहा है जो कि अंत्यस्थ व्यंजन रहेगा, अंत्यस्थ व्यंजन में, तो क्या हो जाएगा मनो रंजन। ठीक है, फिर ये आ रहा अध प्लस वस्त्र, तो ये आगे बाद देगा वह आ रहा है, जो वह किस में हमारा अंत्यस्थ व्यंजन में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अधो वस्त्र। ठीक है, कुछ इसके उदाहरण और देखेंगे। जैसे सरोज है, तो सर प्लस जय आएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या आ रहा, विसर्ग से, विसर्ग से आ रहा, विसर्ग पहले रह के वाय दे रहा सर, ए की, तो ये क्या हो जाएगा, सरोज। ठीक है, फिर ये होता तुम्हारा यस प्लस धरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये फिर हमारा, ये तो धरा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसके कुछ अपवाद पढ़ेंगे, तो हम इस नियम के अपवाद के बारे में जानेंगे। इस नियम के जो अपवाद है, यदि विसर्ग से पहले हमारा पुनः या फिर अंत आए तो तब विसर्ग रे में बदल जाता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आप देखेंगे कि हमने नियम में लिखवाया था, अगर विसर्ग से पहले ए का साउंड हो, है ना, तो ए का साउंड हो, उसके बाद में ए हो, या फिर हमारा किसी भी वर्ग के चौथे पांचवे, तीसरे चौथे पांचवे वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो वो हमारा ओम बदल जाता है, लेकिन इस नियम को फेल हो जाता है यहाँ पुनः के बाद, अगर विसर्ग से पहले पुनः हो। जैसे कि हमने उदाहरण लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः प्लस अवलोकन, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये पुनः 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 अवलोकन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हम लिखेंगे, लिखेंगे हम इसे लिखेंगे पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन लिख देंगे इसे, ऐसे इसे है पुनः प्लस शिक्षण, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ये रैम बदल जाएगा, विसर्ग हमारा रैम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनरीक्षण। ऐसे ही हमारा ये है, ये हमारा पुनः प्लस उतार, ये हो जाएगा पुनरुतार, क्योंकि हमारा जो विसर्ग है रे में बदल जाएगा। ये हो जाएगा पुनरुद्धार, ये हमारा अंत है प्लस द्वंद है, तो ये हो जाएगा विसर्ग हमारा रे में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंत है द्वंद, ये हमारा अंतर द्वंद में बदल जाएगा, ये अंत है प्लस यामी है, तो हमारा ये विसर्ग हमारा रे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतर्यामी। तो हमें अपवाद में सिर्फ दो ही ऐसे दो शब्दों को याद रखना है, एक तो हमें पुनः और अंत है, अगर ये आ जाए तो हमारा विसर्ग जो हमारा हो जाएगा रे में बदल जाता है। इसके बाद हम नियम नंबर दो पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम नियम नंबर दो के बारे में पढ़ेंगे, जो विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। यदि विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का पांच मतलब पांचवे वर्ण का जो है हमारा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे हो, तब विसर्ग का रे हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझेंगे, जैसे हमने लिखा बहिर्मुख, तो यहाँ देखेंगे तो ऐसे अलग वैसे, और हमारा क्या है यहाँ, ही आ रहा, छोटा ही आ रहा, ही वह तो छोटा ही है यहाँ, ये प्लस विसर्ग पहले ही आ रहा, उसके बाद में क्या आ रहा हमारा, मैं आ रहा है, यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले अगर हमारा ये है और बाद में हमारा कुछ भी इनमें से आ रहा हो, मतलब कि हमारा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का जो वर्ण आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में रे में बदल जाएगा विसर्ग, तो विसर्ग रे में होने के बाद में क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। ठीक है, जैसे कि नी प्लस बन लिखा हुआ है, हमारा विसर्ग से पहले ई आ रहा है, हमने लिखवा दिया विसर्ग से पहले, यदि ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, उसके बाद में हमारा तीसरे चौथे पांचवे वर्ग का वर्ण हो, या फिर हमारा अंत्येष्ट व्यंजन ये अलग हो। ठीक है, जैसे हमारा ब है, ब किसका, पै का, तीसरे पै वर्ग का तीसरा है, जैसे कि मैंने लिखवा दिया यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसे हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, फिर विसर्ग का हमारा रे बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा निर्बल। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नी प्लस यात लिखा हुआ, नी से पहले विसर्ग से पहले हमारा क्या है, ये है ये, उसके बाद में यह है, यह क्या है हमारा, यह अंत्येष्ट व्यंजन है जो कि मैंने लिखवा रखे है, यह अंत्येष्ट व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर रे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्यात। ठीक है ना,
तो इसके बाद हमने लिखा दो प्लस लव लिखा है, तो दो है, तो हमारा तय जो किसका है, देखो ये लिखवा रखा हमने, तय वर्ग का तीसरा, मतलब तय के तीसरे वर्ग का तय है ये, ठीक है जी। इसके बाद में हमारा लय आ रहा है, लय सॉरी, इससे पहले हमारा जो तय है विसर्ग से पहले हमारा क्या आ रहा, एस वर्ग को छोड़कर दूसरा स्वर आ रहा है, उसके बाद में विसर्ग के बाद में लय आ रहा है, जो कि लय हमारा किसका है, लय हमारा दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे दुर्लभ है हमारा ये दो प्लस लव लिखा है, तो दो विसर्ग से पहले हमारा हुआ रहा, जो कि हमारा ए छोड़ भिन्न स्वर है वो, फिर विसर्ग के बाद हमारा लय में आ रहा है, जो कि लय किसका है, लय हमने लिखवा रखा है ऑलरेडी, मतलब या तो तीसरा चौथे पांचवा या फिर अंत्यष्ट व्यंजन हो, ये क्या हमारा लय अंत्यष्ट व्यंजन है, तो तब हमारा विसर्ग कायम बदल जाएगा, रय बदल जाएगा, तो ये दुर्लभ हो गया। इसके बाद हम इन्हें समझेंगे, ये हमने लिखा है दो आता, अब इधर लिख सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं, इसे ये संधि विच्छेद हो गया था, इधर लिख देते हैं संधि, तो दो प्लस आसा है, तो विसर्ग से पहले वो आ रहा जो कि ए ना, तो ए है ना आसवर है, उसके बाद में क्या आ रहा हमारा, ये आ रहा आ रहा है, ठीक है, ये ए को छोड़ के अलग व्यंजन, ए को छोड़ के दूसरा आ रहा हमारा, तो यानी कि ये आ रहा है तो आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा दुरासा, ठीक है, शायद लिखेंगे दुरासा को, ठीक है। इसके बाद में हमारा निरर्थक, नहीं विसर्ग से पहले हमारा अलग हुआ रहा है, उसके बाद हमारा कोई भी व्यंजन हो, ये आ रहा देखो ए आ रहा है, मतलब सॉरी तो आ रहा है, नी से पहले हमारा ये आ रहा है, और विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा हमारा स्वर, ये लिख रखा हमने कोई कोई दूसरा स्वर हो, मतलब कोई भी स्वर हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निरर्थक हो जाएगा। अभी लिखा हुआ है हमारा नी प्लस उत्साह, तो नी उत्साह है, तो इसे क्या देख रहे हैं, विसर्ग से पहले हमारा आ रहा ई, और इसी के बाद में क्या आ रहा हमारा ओ आ रहा है, जो कि भिन्न स्वर है, ऐसे अलग भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो विसर्ग का मिल जाएगा रैम है, तो ये हो जाएगा निरु उत्साह, ठीक है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और जो अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और इसके बाद में यह नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। हमने नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और स्वर हो और उसके बाद में चय छ से या हमारा तय थ स हो जाए, तो विसर्ग का क्रम से हमारा हो जाएगा स और स, यानी कि यह इस तरीके से लिखेंगे, जब हमारा हमारे विसर्ग से पहले आप देखेंगे, विसर्ग से पहले हमारा कोई भी स्वर आ जाए, स्वर यहाँ उ आया हुआ, उसके बाद हमने लिखवा रखा चय छ स आए, तो हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग का, हमारा स हो जाएगा, जैसे जैसे कैसे लिखेंगे हम, दुस्शासन, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या ई आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा चय आ रहा ना, तो हमने क्या बताया चय छ स, तो हमारा क्या है, ये तीनों अगर आ जाए विसर्ग के बाद में और उससे पहले हमारा कोई भी स्वर हो, तो हमारा विसर्ग का स में सैब हो जाता है, जैसे देखेंगे अभी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंत हो जाएगा, ये हमारा दो साहस है, तो ये क्या हो जाएगा स आ रहा, हमने लिखवाया अगर हमारा तय थे स आ जाए तो स का, तो हमारा ये वाला स हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, दुस्साहस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे भी आता ही रहेगा। इसके बाद में देखेंगे ये लिखा नी प्लस ताप, तो हमने बताया तय थे आ जाए विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का हमारा स हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिख सकते हैं निस ताप, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये लिखा, हमने लिखा मन प्लस ताप, तो हमारे विसर्ग से पहले क्या आ रहा ए व्यंजन, ए स्वर आ रहा सॉरी, उसके बाद में तय आ रहा, हमने बताया तय थे आए, तो विसर्ग हमारा स में बदल जाता है, जैसे इसे लिखेंगे मन मनस्ताप, मनस्ताप, ऐसे हम इसे लिखेंगे, जैसे नमे, तो विसर्ग से पहले हमारा क्या आ रहा ए स्वर आ रहा, उसके बाद में तय आ रहा, तय आ
आए हमारा अगर विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग हमारा से में बदल जाए, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। हम नियम नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। हमने लिखा, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में क खै पै फै और पै फै हो, तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले हमारा ए है इस केस में। यदि हमने लिखा फिर, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में कै खै या तय, या फिर हमारा कै खै हो या फिर तय, सॉरी टै ठै या पै फै में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का सह हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझेंगे। प्रातः काल है तो हमारा क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, ए है। देख लो, प्रातः में ए स्वर आ रहा बाद में, और बाद में हमारा क्या, हमने बताया कै हो या फिर खै हो, पै हो या फिर फै हो। ठीक है, तो हमारा विसर्ग, इसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, से प्रातः काल, ऐसे ही हमें लिखेंगे। ये अंत्य प्लस पूर्व लिखा है, तो ये क्या, ए का जो हमारा साउंड दे रहा है बाद में, फिर पूर्व है तो पै आ रहा है, तो हम इसे क्या बनाएंगे, इसमें हमारा विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसे ऐसे लिखेंगे, अंत्य अंत्य पूर्व। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे अधः प्लस पतन, तो क्या ए का साउंड दे रहा पहले विसर्ग से पहले, उसके बाद में पै आ रहा, हमने बता दिया कह के या पै फै हो, तब तो इसे लिखेंगे हम अधः प्लस पतन। ठीक है, इसके बाद में तो इसे हम क्या लिखेंगे, अधः प्लस पतन को लिखेंगे अधः पतन, क्योंकि हमारा विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे नी प्लस कपट है, तो हमने बाद में लिखवा रखा है, यदि विसर्ग से पहले हमारा ए को छोड़ के ई या उ आ जाए और बाद में हमारा कै खै पै फै टैट है ये आ जाए, तो हमारा जो विसर्ग है इस वाले से में बदल जाता। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, नि प्लस कपट है तो इसे लिख देंगे निष्कपट। देखो, ठीक है, निष्कपट। अब इसकी बात करेंगे हम, इसे देखेंगे, ये नि प्लस प्राण है, तो विसर्ग से पहले हमारा ई आ रहा, यानी कि ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है, तो उसके बाद में हमारा पै आ रहा है, तो पै तो हम क्या लिखेंगे, इसे इसे लिखेंगे हम निष प्राण। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे नी प्लस फुर लिखा है इसमें, तो इसे विसर्ग से पहले हमारा ई आ रहा, जो कि ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न स्वर है। ठीक है, इसके बाद में हमारा ठ आ रहा, हमने लिख भी रखा कै खै पै फै टै ठै, तो ठ आ रहा, ये आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग से में बदल जाएगा, ये हो जाएगा निस ठुर। इसके बाद में देखेंगे दो प्लस कार है, सॉरी दो प्लस कार है, तो हमारा विसर्ग से पहले वो आ रहा है जो हमने लिखवाया अभी है, फिर ये क्या आ रहा, तो ये हो जाएगा दुष्कर। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हमारा इसमें देखेंगे, इसके अपवाद देखेंगे, पहले इसका अपवाद हम देख लेते हैं, इसके ऊपर इसे रफ कर देते हैं हम। जैसे देखेंगे ये लिखा हुआ दो प्लस ख लिखा हुआ, तो ये नियम के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग से पहले हमारा क्या आ रहा, वो आ रहा है, जो कि ऐसे स्वर भिन्न स्वर, हमारा ऐसे मतलब कि डिफरेंट स्वर है, भिन्न स्वर है जो ऊ है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा, हमने कहा कै खै या पै फै टैट है आना चाहिए, तो हमारा उसमें स में बदल जाता विसर्ग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये ऐसे ही लिखा जाएगा दुख, तो ये हमारा अपवाद है। ठीक है, इसमें भी, और हम इसके भी अपवाद देखेंगे, ये हमारा अपवाद में चला गया। इसके अपवाद इधर हैं, जैसे हम लिखेंगे नम प्लस कार लिखेंगे, तो ये हमने पढ़ा है कि विसर्ग से पहले आए, उसके बाद में कैक है,
और हमारा पैप है आ जाए तो हमारा जो विसर्ग कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें हमारा क्या आ जाएगा, नमस्कार लिखा जाएगा। इसकी थोड़ी सी पहचान बताएंगे हम हिंट। तो नमस्कार, अगर हमारे इस तरीके से विसर्ग से पहले ए हो और बाद में जो हमारा जो बाद वाला शब्द है वो कार कर आदि हो, तो हमारा जो विसर्ग है इस से बदल जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे और एग्जांपल, ये पुरस्कार है, पुर प्लस कार है, तो इसे क्या लिखेंगे, कायदे से इसे लिखना चाहिए हमें पुरस्कार, इस तरीके से बनना चाहिए ना नियम के हिसाब से। तो ये पुरस्कार जो कि ये गलत है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इसे हम लिखेंगे सॉरी, इसे मतलब कि ऐसे लिखा जाता है नियम के हिसाब से, तो ऐसे लिखा जाता है पुर प्लस का पुरकार यानी के, जबकि ऐसे ऐसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे पुरस्कार। तो हमने बताया जहाँ कार कर आदि शब्द आए तो हम इसे सैम में विसर्ग हमारा सैम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यह फिर भास्कर यानी कि भास प्लस कर है, तो ये हमारा ये भा प्लस कर लिखा जाएगा ऐसे। भा प्लस कर को क्या होना चाहिए, भा कर होना चाहिए, लेकिन भा भा कर नहीं होएगा, ये हो जाएगा भास्कर। ऐसे हमारा फिर एक और लिख सकते हैं हम, ये वो प्लस क्रस्त, ये हमारा होना चाहिए प्रोक्रस्त, तो ये हो जाएगा पुरुष क्रत, पुरुष क्रत, ये इस तरीके से लिखा जाएगा पुर प्लस कृत, ये हमारा पुरस्कृत बन गया। जहाँ हमने बताया कर कर कार कर आदि शब्द आते हैं तो हमारा सह में परिवर्तित हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में हम इसके कुछ नियम हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसका नियम विसर्ग के नियम नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के बाद हमारा यदि हमारे विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग के स्थान पर हमारा चय आ जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद में रह हो और उससे पहले हमारा कोई हर्ष स्वर दिया हो तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यदि हमारा फिर नियम नंबर इसमें लिखा है तीसरा, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में भी कोई हमारा स्वर आ जाए, है ना, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो हमारा वहां से विसर्ग का लोप हो जाता है। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ समझेंगे। जैसे लिखा छत्र प्लस छाया, तो आप देखेंगे यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, ए की ए का साउंड दे रहा है और छाया आ रहा है बाद में, तो हमने कहा कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद सॉरी छह से कोई स्टार्ट शब्द हो तो हमारा जो विसर्ग के स्थान पर छह आ जाता है। तो इसे लिखेंगे छत्र छाया को। अब छत्र छाया को मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, इसे ऊपर तरफ कर देता हूँ। अब छत्र छाया को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये रहा छत्र प्लस छाया, हमारा विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो हम इसे क्या लिख देंगे, हमारे विसर्ग के साथ में छ आ जाएगा, तो ये जाएगा छत्र छत्र छाया, ये इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे हमारा पेज दिया है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद विसर्ग से पहले हमारा हमारा स्वर आ रहा उसके बाद में छ आ रहा, तो हमारा फिर विसर्ग के बाद बच्चे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, अगर हमारा फिर ये दिया है अनुच्छेद हो गया, फिर हमारा नीरस है। हमने बताया अगर विसर्ग से पहले हमारा कोई भी लघु स्वर आ जाए और उसके बाद में रे आ जाए तो हमारा जो हर्ष 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 स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, जैसे ये हो जाएगा निरोग। कैसे देख सकते हैं यहाँ ई जो हमारा यहाँ आकर के बड़ी में चेंज हो गया, यानी कि हर्ष से दीर्घ में बदल गया। फिर इसके बाद उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण है हमारा नी प्लस रब। ठीक है, तो ये क्या है, ये रहा ये प्लस रब है, तो
ये देखेंगे विसर्ग से पहले हमारा हर्ष स्वर ई है जो उसके बाद में रह है, तो ये क्या होगा नीरव, बड़ा नीरव। तो बच्चों नीरव मोदी मत समझना, ये नीरव है ठीक है। तो ये इसके बाद में देखेंगे हम दू प्लस राज है, तो आप देखेंगे इससे पहले जो विसर्ग से पहले हमारा छोटा यानी कि ऊ है, हर्ष स्वर ऊ है, उसके बाद में हमारे यहाँ जाएगा दुराज में, ये दुराज जाएगा जो क्या होगा दीर्घ स्वर उ में चेंज हो गया। इसके बाद हमने लिखवाया था यदि विसर्ग से पहले हमारा ए या आ जाए और उसके बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाता है ठीक है। जैसे तुम देख जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है अतः प्लस ए लिखा है मेरा, तो यहाँ हमारा विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये अतः प्लस ए लिखा है जब हमारे विसर्ग का लोप हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा अतः, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अतः ठीक है। इसी के साथ हमारे जो है संधि चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी एग्जाम में पूर्व मतलब पहले एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करा लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ अब हमारे चैनल पर बने रहिएगा और जो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। और इसी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपके दोस्तों की तैयारी हो जाए। और हम आप सभी को पता है कि अब पैट का फॉर्म आ चुके हैं इस चैनल पर, कुछ समय में कुछ ही मतलब कुछ दिनों बाद ही पैट की तैयारी कराई जाएगी और आप इसी के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।